नमस्कार दोस्तों, अमेजन का द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो लैपटॉप में भर भर के ऑफर मिल रहे हैं। इसी ऑफर के दौरान एसर के तरफ से अंडर 35,000 में दो ऐसे लैपटॉप मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे डील पे मिल रहे हैं। जो एसर की तरफ से जो लैपटॉप आता है वो सेम नाम पे मिलता है, एसर एस्पायर 3, बट वो डिफरेंट प्रोसेसर के साथ देखने मिलता है, जो कि एसर एस्पायर 3 जो कि आपको राइजन प्रोसेसर के साथ देखने मिलता है। दूसरा भी आता है सेम नाम पे, एसर एस्पायर 3 जो कि इंटेल के प्रोसेसर के साथ आता है। सो बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि किसको खरीदें। अगर आप भी कन्फ्यूज हो तो ये वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ये दोनों लैपटॉप को, जो कि एसर एस्पायर 3 राइजन वर्जन वर्सेस एसर एस्पायर 3 इंटेल वर्जन, और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते विद द वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वॉचिंग माय चैनल आईडी की आल स्टार। पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। एसर लैपटॉप के राइजन वर्जन पे आपको 15.6 इंच का एक IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने मिलता है, जहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाता है फुल HD की। यहाँ पर आपको 250 निट्स की स्क्रीन ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। यहाँ पर आपको 45% NTCP देखने को मिलता है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको कलर सिक्योरिटी 100% देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको बेजल्स भी बहुत ही नैरो देखने को मिलता है। अगर हम एसर लैपटॉप के इंटेल वर्जन के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको 14 इंच का एक IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाता है फुल HD की। यहाँ पर भी आपको 250 निट्स की स्क्रीन ब्राइटनेस, 45% NTC का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको कलर सिक्योरिटी 100% एक्यूरेट देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी बेजल्स बहुत ही नैरो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों लैपटॉप में आपको बहुत ही अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दोनों लैपटॉप में कलर सिक्योरिटी 100% देखने को नहीं मिलता है। अगर आप फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो ये डिस्प्ले में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोनों लैपटॉप का डिस्प्ले अच्छा है, बढ़िया है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, दोनों लैपटॉप आपको थिन लाइट वेट एंड वेरी स्टाइलिश डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। दोनों लैपटॉप आपको प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। एसर के राइजन वेरियंट आपको 1.79 kg की देखने को मिलता है, एसर के इंटेल वेरियंट आपको 1.45 kg की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों लैपटॉप के आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सिमिलर सा देखने को मिल जाता है, बट जो एसर के जो इंटेल वेरियंट है वहाँ पर आपको थोड़ा वेट कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आपको 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट एसर के राइजन वेरियंट आपको ज़्यादा वेट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो मोटा मोटी बात करें तो दोनों लैपटॉप का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सिमिलर सा देखने को मिलता है, एंड प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। प्रोसेसर के बारे में, एसर के राइजन वेरियंट पे आपको राइजन 5 7430U प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहां पर आपको 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम एसर के इंटेल वेरिएंट के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटेल कोर आता है आपका 12th generation, जिसका वेरिएंट है 1235U प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें आपको 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर आप ये दोनों प्रोसेसर के अंदर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वीडियो मिस कर चुके तो मैं कार्ड पे लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर चेकआउट कर सकते हो और अपना आप डाउट अप क्लियर कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये जो दोनों प्रोसेसर है अच्छा है, पावरफुल है, अपने प्राइस को जस्टिफाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये जो दोनों प्रोसेसर है ऑलमोस्ट सिमिलर सब परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो राइजन 5 7430U प्रोसेसर है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। सो प्रोसेसर के मामले में एसर एस्पायर 3 राइजन वेरिएंट एक बेटर लैपटॉप है। GPU के बारे में, दोनों लैपटॉप में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है। एसर के राइजन वेरिएंट पे आपको AMD Radeon ग्राफिक्स देखने को मिलता है, एंड एसर के इंटेल वेरिएंट पे आपको इंटेल USD ग्राफिक्स देखने को मिलता है। जो Radeon वेरिएंट है ना वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। सो GPU के मामले में एसर एस्पायर 3 का राइजन वेरिएंट एक बेटर लैपटॉप है। रैम के बारे में, दोनों लैपटॉप में आपको 16GB का DDR4 हाई फ्रिक्वेंसी रैम देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी मिलता है 3200 MHz की। एसर के राइजन वेरिएंट में आपको मैक्सिमम 32GB तक अपग्रेड कर पाओगे, बट एसर के इंटेल वेरिएंट में आपको मैक्सिमम 64GB तक एक्सपांड कर पाओगे। दोनों लैपटॉप में आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाएगा रैम को एक्सपांड करने के लिए। तो यहाँ पर देखें तो दोनों लैपटॉप में आपको रैम अच्छी मिल जाता है, एंड सिमिलर सा देखने को मिलता है, बट
एसर के जो इंटेल वेरिएंट है वहाँ पर आपको ज़्यादा मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो रैम के मामले में एसर के इंटेल वेरिएंट एक बेटर लैपटॉप है। स्टोरेज के बारे में, दोनों लैपटॉप में आपको 512 GB का PCNVMe Gen 4 SSD देखने को मिलता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है। दोनों लैपटॉप में आप मैक्सिमम 1 TB तक एक्सपांड कर पाओगे। सो स्टोरेज के मामले में दोनों लैपटॉप बढ़िया है एंड बहुत ही अच्छा है। बैटरी के बारे में, एसर के राइजन वेरिएंट पे आपको 3 सेल की 55WHR का बैटरी देखने को मिलता है जहाँ पर आपको 65W का पावर अडेप्टर देखने को मिल जाएगा। कंपनी का दावा कि यहाँ पर आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर एसर के इंटेल वेरिएंट के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 2 सेल का 45.6WHR का बैटरी देखने को मिलता है जहाँ पर आपको 65W का पावर अडेप्टर देखने को मिल जाएगा। कंपनी का दावा कि यहाँ पर भी आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। दोनों लैपटॉप में आपको बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सिमिलर सा देखने को मिल जाता है। एसर के जो राइजन वेरिएंट है वहाँ पर आपको ज़्यादा बैटरी देखने को मिलता है बट वहाँ पर आपको स्क्रीन साइज बड़ा देखने को मिलता है, बट एसर के जो इंटेल वेरिएंट है वहाँ पर आपको छोटा स्क्रीन साइज देखने को मिलता है। इसलिए आपको दोनों लैपटॉप में ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। सो बैटरी के मामले में दोनों लैपटॉप अच्छा है। पोर्ट्स के बारे में, दोनों लैपटॉप में आपको वेराइटी ऑफ पोर्ट्स देखने को मिलता है। एसर के राइजन वेरिएंट पे आपको एक USB 3.0 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद 2 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट भी देखने को मिलता है, उसके बाद 2 Type-C पोर्ट देखने को मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको HDMI पोर्ट भी देखने को मिलता है एंड एक SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है। अगर हम एसर के इंटेल वेरिएंट के बारे में बात करें वहाँ पर आपको एक USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद 2 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद 2 Type-C पोर्ट भी देखने को मिलता है, उसके साथ यहाँ पर आपको HDMI पोर्ट भी देखने को मिलता है एंड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों लैपटॉप में आपको भर भर के पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो पोर्ट्स के मामले में दोनों लैपटॉप बहुत ही अच्छे हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में, दोनों लैपटॉप में आपको विंडोज 11 होम एडिशन प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है बट यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस 2021 वर्जन फ्री देखने को नहीं मिलता है। सो सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों लैपटॉप एक जैसे। कीबोर्ड के बारे में, एसर के राइजन वेरिएंट पे आपको फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है जहाँ पर आपको बैकलाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम एसर के इंटेल वेरिएंट के बारे में बात करें वहाँ पर आपको चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको नम की देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसका फॉर्म फैक्टर छोटा है, 14 इंच का स्क्रीन है, बट यहाँ पर आपको बैकलाइट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में बात करें तो दोनों लैपटॉप में आपको बहुत ही अच्छी कीबोर्ड देखने को मिलता है। सो कीबोर्ड के मामले में दोनों लैपटॉप बहुत ही अच्छे हैं। वेबकैम के बारे में, एसर के राइजन वेरिएंट पे आपको फुल HD वेबकैम देखने को मिलता है जहाँ पर आपको प्राइवेसी शटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम एसर के इंटेल वेरिएंट के बारे में बात करें वहाँ पर आपको HD वेबकैम देखने को मिलता है जहाँ पर आपको प्राइवेसी शटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें तो एसर के राइजन वेरिएंट पे आपको फुल HD वेबकैम देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर जो क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। सो वेबकैम के मामले में एसर Aspire 3 का राइजन वेरिएंट एक बेटर लैपटॉप है। फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, दोनों लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में, एसर के राइजन वेरिएंट पे आपको वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है बट एसर के जो इंटेल वेरिएंट है वहाँ पर आपको वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो एसर के जो इंटेल वेरिएंट है वहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो वायरलेस कनेक्टिविटी के मामले में एसर Aspire 3 का इंटेल वेरिएंट बेटर लैपटॉप है। स्पीकर्स के बारे में, एसर के जो राइजन वेरिएंट है वहाँ पर आपको क्वाड स्पीकर्स देखने को मिलता है, मतलब 2 फ्रंट पे एंड 2 डाउन फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है एंड इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही गजब देखने को मिलता है। इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम एसर के इंटेल वेरिएंट के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 2 वाट का 2 डाउन फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है जिसका साउंड क्वालिटी एवरेज है, इतना खास भी नहीं है। सो स्पीकर्स के मामले में एसर Aspire 3 का राइजन वेरिएंट एक बेटर लैपटॉप है। अब लास्ट में प्राइस के बारे में जान लेते हैं। एसर के जो राइजन वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 32,990 पे फ्लिपकार्ट पे एंड एसर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर हम एसर के इंटेल वेरिएंट के बारे में बात करें वो आपको मिल जाएगा 36,990 पे अमेजन पे एंड एसर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद अगर आप कार्ड वगैरह डिस्काउंट लगा देंगे तो ये और भी कम हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करें तो जो एसर का राइजन वेरिएंट है वो आपको थोड़ा सस्ता देखने को मिलता है। सो प्राइस के मामले में क्लियर विनर है एसर Aspire 3 का राइजन वेरिएंट। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन एसर Aspire 3 का राइजन वेरिएंट उसके साथ एसर Aspire 3 का इंटेल वेरिएंट। अब जान लेते हैं दोनों लैपटॉप का प्रोज एंड कंस के बारे में। पहले जान लेते हैं एसर Aspire 3 का राइजन वेरिएंट के प्रोज के बारे में। पहले तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेसर अच्छा देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड GPU भी अच्छा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको रैम आप एक्सपांड कर पाओगे, Gen 4 SSD देखने को मिलता है,
उसके साथ यहाँ पर आपको वेराइट ऑफ पोर्ट्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, उसके साथ यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड भी देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको फुल एचडी वेबकैम देखने को मिलता है, प्राइवेसी शटर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर आपको बहुत ही जबरदस्त स्पीकर्स देखने को मिलता है। अगर इस लैपटॉप के कंस के बारे में बात करें, सबसे बड़ा कंस यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, दूसरा बड़ा कंस यहाँ पर आपको MSRP फ्री देखने को नहीं मिलता है। अगर हम Acer Aspire 3 के इंटेल वेरियंट के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको Gen 4 SSD देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको वेराइट ऑफ पोर्ट्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, प्राइवेसी शटर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर इस लैपटॉप के कंस के बारे में बात करें, सबसे बड़ा कंस यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, दूसरा बड़ा कंस यहाँ पर आपको MSRP फ्री देखने को नहीं मिलता है, तीसरा बड़ा कंस यहाँ पर आपको HD वेबकैम देखने को मिलता है, चौथा बड़ा कंस यहाँ पर आपको स्पीकर्स इतना अच्छा देखने को नहीं मिलते। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों लैपटॉप के अंदर आपको कौन सा लैपटॉप के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। मेरे हिसाब से ये जो दोनों लैपटॉप है बहुत ही अच्छे हैं और जो अपने अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर आपको एक छोटा स्क्रीन वाला कम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए, उसके साथ साथ आपको इंटेल के साथ जाना है, तो आप Acer Aspire 3 का इंटेल वर्जन आप बेफिक्र ले सकते हो, वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी खासी ही मिलेगा। अगर आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए, थोड़ा बहुत आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा खासा चाहिए, एंड आपको राइजन ही लेना है, उसके बाद आपको एक फुल HD वेबकैम भी चाहिए, उसके साथ साथ आपको स्पीकर्स भी अच्छा चाहिए, तो आप बेफिक्र होकर Acer Aspire 3 का राइजन वेरिएंट आप ले सकते हो। दोनों लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सा देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सा देखने को मिलता है। दोनों लैपटॉप आप ऑलमोस्ट सारे प्रकार के काम आप कर पाओगे, अगर आप एडिटिंग करते हो या फिर फोटो एडिटिंग करते हो, कोडिंग करते हो, ऑफिस गोइंग पर्सन हो या फिर थोड़ा बहुत आप गेमिंग भी करते हो, तो आप दोनों लैपटॉप के साथ आप जा सकते हो, बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, उसके साथ साथ बैटरी बैकअप भी बढ़िया देगा, क्योंकि यू प्रोसेसर है ना, तो बैटरी बैकअप तो बढ़िया देगा। तो ये रहा मेरा ओपिनियन, आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में मतलब ये लैपटॉप के बारे में कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बता सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।